सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में पत्रकारों ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। कोरोना वायरस से लड़ रहे अग्रणी जमात के योद्धाओं में शुमार पत्रकारों के लिए बुधवार को मीडिया सेंटर में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। सोनीपत मीडिया एसोसिएशन की मांग पर सोनीपत सिविल सर्जन जसवंत सिंह पुनिया ने यह कैंप लगवाया। कैंप में 18 साल और उससे ऊपर की उम्र के लगभग 50 पत्रकार और उनके सहजनों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। इस दौरान क्लब के प्रधान वीरेंद्र दुहन ने कैंप में आए सभी पत्रकारों का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने सीएमओ जसवंत सिंह पुनिया को कैंप लगवाने के लिए धन्यवाद किया। दुहन ने कहा कि पत्रकारों की भलाई के लिए स्वास्थ्य विभाग ने इस प्रकार की अच्छी पहल की है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन नुकसानदायक नहीं है, इससे बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती है। इस मौके पर डॉक्टरों की टीम ने कोविड नियमों की पालना करने के लिए भी प्रेरित किया। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। सोनीपत मीडिया एसोसिएशन के तत्वाधान में पत्रकार व उनके परिवार के सदस्यों के लिए वैक्सीन के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग सभी पत्रकार साथियों ने और उनके जो परिजन हैं उन्होंने वैक्सीन लगवाई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी इस वैक्सीन के महोत्सव को बढ़ चढ़ कर भाग लें और अधिक से अधिक लोग जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, 18 साल से प्लस की जितनी भी उम्र के जो लोग हैं, उन सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि इस महामारी से बचाव हो सके और हमारा देश का भविष्य उज्जवल बन सके। मैं देश की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि वो अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करवाए ताकि इस महामारी से छुटकारा पाया जा सके। और मैं लोगों से बिल्कुल इसके प्रति किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए, सकारात्मक रवैया रखना चाहिए और अधिक से अधिक वैक्सीनेशन होना चाहिए।